ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ जिला सदर अहदे पर जोन नंबर 12 के कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद का इंतखाब अमल में आया। इस जिमन में कारकुनान की जानिब से एक तहनीती नशिस्त का इनेकाद किया गया। नशिस्त में मेहमान खसूसी की हैसियत से साबिक रियासती वजीर डीपी सावंत, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल मतीन परवेज मोमिन, सेक्रेटरी लियाकत अंसारी, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शमी अब्दुल्ला, डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन किशोर स्वामी, विजय येवनकर, नीलेश पावड़े, सैयद शेर अली, आनंद चौहान, मुंतजिबुद्दीन के अलावा सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन और शहर के मौजूद अफराद कसीर तादाद में शरीक रहे। तकरीब का इनेकाद शहर के AR फंक्शन हॉल में किया गया था, जहाँ अब्दुल रशीद समेत 9 मुंतखब अहदेदारान की गुलपोशी करते हुए इन्हें तकरीरी लेटर दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर DP सावन ने कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अब्दुल रशीद एक चैंपियन शख्स हैं, जिन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव का बखूबी सामना किया और लगातार अवाम की खिदमत करते रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब्दुल रशीद मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ जिला सदर रहते हुए भी समाज के लिए मुस्बत खिदमत अंजाम देते रहेंगे। आज नांदेड़ में ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल के जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे नगर सेवक राशिद भाई का आज नांदेड़ में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष के पद पर हमारे नगर सेवक राशिद भाई का चुनाव हुआ और इस सिलसिले में इस खुशी में यहाँ पर आज उन्होंने प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं राशिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे भी वो फाइटर है मुझे लगता है और वो अच्छा काम कर सकते हैं, करके दिखाया है उन्होंने, और आने वाले दिनों में मोमिन समाज के लिए और कौम के लिए अच्छा काम ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे यकीन है। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनके हाथ से अच्छे अच्छे काम हो और समाज के अच्छे काम हो। आज ये इस्तकबालिया प्रोग्राम ख़ास तौर से हमने जो रखा था, इसके अंदर हमारे प्रभाग के 13 नंबर प्रभाग के अब्दुल गफ्फार उप महापौर बने, उनका भी इस्तकबाल किया गया और हमारे DB सावन साहब आए, उनका भी इस्तकबाल किया गया। तकरीबन महापौर, सभापति, उप सभापति, उप महापौर सबका हमने इस्तकबाल इसमें रखा और यह ख़ास प्रोग्राम रखा गया था मोमिन ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इसके अंदर आज हमारे पहले माजिद भाई इस अहदे पर फैज थे, उनको हटाकर उनको जो ज़िले की कमेटी, महाराष्ट्र की कमेटी में लिया गया और आज मुझ पर जो जिम्मेदारी डाली गई जिला अध्यक्ष बोलकर, इंशाल्लाह मैं हमारे जो भी मोमिन बिरादरी के जो भी मसाइल है वो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले अनीस कमर थे, उन्होंने भी बहुत जस्तजू की, बहुत कोशिश की, लेकिन उनका इंतकाल होने के बाद हमारे माजिद भाई को ये मौका दिया गया। लेकिन माजिद भाई की कारकर्दगी अच्छी थी, इसलिए उनको महाराष्ट्र पर जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से फैज किया गया और आज जो मुझ पर जिम्मेदारी डाली गई मैं इसको निभाने की कोशिश करूँगा। और जितने लोग आए, सब पत्रकार का और सब मेरा हमारे लीडरों का, ख़ास तौर से मेरे साथी हमारे लीडर अब्दुल सत्तार सेठ का, मसूद सेठ का, शमीम का और सब मेरे साथी जितने लोग यहाँ पे आए, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आज का जो इस्तकबालिया जलसा जो रखा गया था ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़िला अध्यक्ष हमारे साथी अब्दुल रशीद को जो बनाया गया, मैं तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आज उन्होंने एक अच्छे अहदे पे जो आज जिला अध्यक्ष बोल के मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो उनकी नियुक्त हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि वे आगे भी जो बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और हमारे साथी कॉरपोरेटर को पूरा हम साथ देंगे और इंशाल्लाह जो पहले थे उन्होंने कुछ काम नहीं करे, पर मैं ये चाहता हूँ कि अब्दुल रशीद कुछ काम करके बताइए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँ।